नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी परीक्षा दोस्तों जो आपकी हुई है 17 सितंबर से लेकर आज तक दोस्तों जितने भी पेपर हुए हैं इसमें कौन कौन से दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं और दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, अगर आपका परीक्षा नहीं हुआ है तो समझ लीजिए आपके 15 से 20 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो प्रश्न रिपीट कर रहे हैं डेली हर शिफ्ट में बार बार पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में मैं शामिल किया हूँ, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 17 सितंबर से लेकर आज तक हुए पेपर का आंसर। एक बात और दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों मैं अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूं। दोस्तों, आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे दोस्तों मेरी सारी वीडियोज को आप फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों, अन अकेडमी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप मुझे वहां से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं 17 सितंबर से लेकर आज तक हुए पेपर का आंसर। देख लीजिए दोस्तों सभी प्रश्नों को दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे अगर आपका दोस्तों परीक्षा नहीं हुआ है तो, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे रिपीटेड जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, पूछा गया 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है 10 दिसंबर को। एक बार दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा, इससे क्या होगा दोस्तों ना आपको याद हो आ जाएगा सारे प्रश्न का आंसर क्या क्या है और आपका एग्जाम में आपके बहुत ही फायदा मिलेगा। तो इसलिए सभी प्रश्नों को आप देखते चलिए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस पार्टी से हैं। पूछा गया प्रश्न है, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, पार्टी का क्या नाम है, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, ये भी याद रखेंगे आगे पूछा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न तो बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था। तो देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, किसके कारण दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, और ये कब हुआ था दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, यह भी याद रखेंगे। ये सब दोस्तों मैं आपको बहुत बार पढ़ा भी चुका हूं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, सबसे भारी ग्रह कौन है। तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति, याद रखेंगे ये सब प्रश्न रिपीट करेंगे आपके पेपर में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। और एक और प्रश्न इससे बनता है रिलेटेड, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, दक्षिण भारत का, तो कोयंबटूर को कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, तो निकोलस मादुरो है। कौन है, निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम भी याद रखेंगे, आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, भारत का 100वां स्मार्ट शहर कौन है, तो शिलांग है, 100वां नंबर पे कौन है, शिलांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ये प्रश्न दोस्तों 5 से 6 बार पूछा जा चुका है रेलवे ग्रुप डी में अभी तक, ठीक है। तो कौन है, लालजी टंडन है, और इनके कब ये ज्वाइन किए हैं, मतलब कार्यभार अपने संभाले हैं, तो 23 अगस्त 2018 से। पहले कौन था दोस्तों बिहार के राज्यपाल, सत्यपाल मलिक, जो कि अब वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल हैं। और ये प्रश्न आपका जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल कितने बार दोस्तों पूछ लिया गया है, लगभग 8 से 10 बार पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक है, और बिहार के लालजी टंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन पूछा गया है, तो कौन है, जोधपुर है, सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन जोधपुर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो शिंजो आबे जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। ऐसे पूछ ले तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12 जोड़ी का मतलब 12 × 2, 12 × 2 = 24, ठीक है। जोड़ी में पूछे तो 12, ऐसे पूछेगा तो 24। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। और ऐसे इससे रिलेटेड और है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, जल का कितना होता है, तो 7 होता है। दूध का दोस्तों कितना होता है, 6.4 होता है। और दोस्तों वाइन शराब का दोस्तों कितना होता है, 2.9 से 3.9 के बीच होता है, ठीक है। तो इसे भी क्या करेंगे, याद रखेंगे, ये सब भी पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, कराया हुआ प्रश्न भी है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो जेएल बेयर्ड ने, यानी कि जॉन लॉगी बेयर्ड टेलीविजन के यानी कि टीवी के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर याद रखेंगे, साइट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, मिस वर्ल्ड 2017 कौन है? तो मानुषी छिल्लर है, मिस वर्ल्ड 2017, याद रखेंगे मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर, ये भी प्रश्न 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम है तो बिंदुसार, क्या नाम है? बिंदुसार। अगला प्रश्न देखिए, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। ये प्रश्न दोस्तों लगभग 5 से 6 बार से अधिक ही बार पूछा गया होगा, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, इसे भी याद रखेंगे। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, एप्पल के सीईओ कौन है? तो टिम कुक है एप्पल के सीईओ, ये भी प्रश्न दोस्तों 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, यानी कि इतने कम दिनों में भी देख लीजिए दोस्तों प्रश्न क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं तो आगे भी आपको ये पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी प्रश्नों को देखते चलिए। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्रव की घनत्व मापा जाता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो याद रखेंगे हाइग्रोमीटर, और हाइड्रोमीटर क्या है? द्रव की घनत्व, ठीक है, दोनों को याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, दाब की यूनिट क्या है? तो आंसर हो जाएगा पास्कल। दाब की यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है, इसे भी याद रखेंगे। ये सब प्रश्न याद रखेंगे तो आगे अगर जो आप कोई सा और एग्जाम देंगे तो आपके एग्जाम में ये सब भी प्रश्न मिलेंगे, तो आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 17 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का है, थर्ड शिफ्ट का भी इसी में प्रश्न है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकन अवार्ड किस सीएम को मिला है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू को अमेरिकन अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2017 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा चीन में, ठीक है, अगर इसे भी याद रखेंगे, ये सब प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कई बार रिपीट कर चुका है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों 4 से 5 बार आपको क्या हुआ है, रिपीट हो चुका है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है, गारो हिल्स कहां पर स्थित है? तो मेघालय में है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो मेनका गांधी है, कौन है? मेनका गांधी है, इनका नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आंसर हो जाएगा आर्गन गैस भरी जाती है, इसे भी याद रखेंगे, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी रिपीटेड है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है? दोस्तों तो श्रीलंका की राजधानी पहले दोस्तों थी तो कोलंबो थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में दोस्तों श्री जयवर्धने पूरा कोटी है, ठीक है, कौन है? श्री जयवर्धने पूरा कोटी है, वर्तमान में कोलंबो नहीं है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नाम क्या है एक बार और सुन लीजिए, राजधानी श्रीलंका की श्री जयवर्धने पूरा कोटी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा था, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म, इसे भी याद रखेंगे, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, सिक्किम के गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद सिक्किम के राज्यपाल है, गवर्नर मतलब क्या होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई बार पूछा जा चुका है, ये भी कर चुका है, कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है कार की हेडलाइट में। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह प्रश्न भी दोस्तों 4 से 5 बार रिपीट कर चुका है, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, भी रिपीटेड प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन का, ठीक है, और यह भी पूछा जाता है, जो विद्युत हीटर होता है दोस्तों वो किस धातु का बना होता है? तो उसे भी याद रखेंगे दोस्तों, नाइक्रोम का बना होता है, किसका बना होता है? नाइक्रोम का, उसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? तो आंसर याद रखेंगे सासाराम में, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 18वें एशियाई खेल का आयोजन कहां पर किया गया था? तो आंसर याद रखेंगे जकार्ता में, यह भी प्रश्न रिपीटेड है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है,
लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आंसर याद रखेंगे एनीमिया। लोहे की कमी यानी कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। ये चीज़ भी याद रखेंगे। ये भी प्रश्न दोस्तों 5 से 6 बार लगभग ये रिपीट कर चुका है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा है? बुध है। इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, आपके पास अगर जो 1 से 2 दिन की टाइम है दोस्तों, तो आपके लिए एक अच्छी ईबुक है, उसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों। दोस्तों एल बुक पब्लिशर ने एक ई बुक बनाई है जिसका नाम है ग्रुप डी सजेशन 2018। दोस्तों ये बुक 10 भाषाओं में है, आप किसी भी भाषा में इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों एल बुक पब्लिशर ने इसकी कीमत 100 रुपये रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये मात्र आपको 30 रुपये में मिल जाएगी। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है। इसे क्या होगा दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को याद कर सकते हैं। और कौन कौन से दोस्तों इसमें आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर हो जाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आप इसको ले कहां से सकते हैं, तो दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूं। आप कहीं से भी दोस्तों इसको मात्र 30 रुपए में ले सकते हैं। दोस्तों ये बुक आपको मार्केट में ऑफलाइन नहीं मिलेगी, ये ऑनलाइन ही उपलब्ध है। दोस्तों इसको आप परचेस करते टाइम जो ईमेल आईडी डालेंगे, उसी ईमेल आईडी पर दोस्तों ये डाउनलोड होगा, और उसी ईमेल आईडी पर इसका पासवर्ड भी मिलेगा। दोस्तों मेरे देखने में ये बुक अच्छी लगी है, आप भी देख लीजिएगा, अच्छी लगे तो दोस्तों आप इसे जरूर ले लीजिएगा। अगर जो दोस्तों आपके पास 1 से 2 दिन का भी टाइम है, तो आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको कुछ नंबर दोस्तों पेपर में ज्यादा मिल जाएंगे। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आपके को ये ले लेना चाहिए अगर जो आपके पास टाइम है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 19 सितंबर का है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, रिपीटेड प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो आंसर याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मणिपुर के सीएम किस पार्टी से हैं? पूछा गया प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से हैं। और मणिपुर के सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह है, इनका नाम भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया है, आईपीएल 2018 के विजेता टीम कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2018 की विजेता टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, आपके 6 से 7 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिए, प्रश्न है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन है? तो आंसर याद रखेंगे गीता मित्तल है, आगे भी आपका पेपर है तो यह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, बुलेटिन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। किसका ऐप है? बुलेटिन ऐप गूगल द्वारा लॉन्च किया हुआ है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 3 से 4 बार यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, किस राज्य के पुलिस द्वारा ऑपरेशन दुर्गा शुरू किया गया है? तो आंसर याद रखेंगे हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। जैसे यूपी में दोस्तों कोई महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी ऐप थी लॉन्च की गई है, मतलब कि जैसे कि एंटी रोमियो, ठीक है, उसी के तर्ज पे आप हरियाणा द्वारा ऑपरेशन दुर्गा स्टार्ट किया गया है। किसके लिए? एंटी रोमियो के तहत। जैसे एंटी रोमियो यूपी की है, उसी प्रकार ऑपरेशन दुर्गा है महिलाओं की सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी 4 से 5 बार रिपीटेड है, जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंसर याद रखेंगे असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अणु O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों 16 होता है, 16U यानी कि 15.99U यानी कि 16 के होता है, ठीक है। तो 16 भी दिया रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 16 टिक कर देंगे, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 63 हैं, ये भी 3 से 4 बार प्रश्न रिपीट कर चुका है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर दोस्तों खट्टा फल है, साइट्रिक होता है। टमाटर में एक और अम्ल होता है उपस्थित, उसका नाम आप कमेंट करके बताएंगे क्या होता है, ठीक है। साइट्रिक कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं एक और अम्ल होता है जैसे कि ऑक्सैलिक और ऐसे रिलेटेड होता है, तो आप उसको क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ये पूरा दोस्तों अभी क्लियर नहीं है, साइट्रिक एसिड होता है कि नहीं होता, ठीक है, आप थोड़ा
से सर्च करके कमेंट करके बताएंगे टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, पीलिया से सबसे ज्यादा कौन अंग प्रभावित होता है? तो आंसर याद रखेंगे, पीलिया सबसे ज्यादा लीवर को प्रभावित करते हैं यानी कि यकृत को। यह भी प्रश्न रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, यानी कि चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। यह भी प्रश्न रिपीट कर रहा है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, प्रश्न है दूध किस अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है? तो आंसर याद रखेंगे, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीश त्रिपाठी है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 से 5 बार यह भी प्रश्न रिपीट कर चुका है, ICICI बैंक के CEO कौन है? चंदा कोचर है ICICI बैंक के CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड के खोजकर्ता कौन है? तो हरगोविंद खुराना जी है जेनेटिक कोड के खोजकर्ता। यह भी प्रश्न रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोशिकाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है, और कॉफी में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। ये सारे प्रश्न दोस्तों मैं आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाया हूँ, साइंस में पढ़ाया हूँ, और सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि दोस्तों अगर जो आप मुझसे जुड़े हैं और सारे प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों होना तय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर याद रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड। इसे कहीं कहीं दोस्तों हंसाने वाली गैस भी लिखा रहता है, तो मतलब ही हो गया लाफिंग गैस, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 4 से 5 बार रिपीट कर चुका है, असम के राज्यपाल कौन है यानी कि असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी हैं असम के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है इंसुलिन का निर्माण। ठीक है दोस्तों, आप सारे प्रश्नों को खूब अच्छे से देखिए, जितना ज़्यादा दोस्तों आप मेहनत करेंगे ना उतनी जल्दी आपकी सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए आपको थोड़ा सा भी पढ़ाई में कमजोर ना पड़िए, जितना आपको पढ़ना है जितना टाइम बच रहा है आप पढ़ते रहिए, ताकि आपका दोस्तों सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। आपका सिलेक्शन होगा आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, ठीक है, तो इसलिए मेरे खुशी के लिए आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 से 16 साल के बच्चों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आंसर याद रखेंगे, टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन होंगे, उसको मैं एक पार्ट में अलग पार्ट में करा दूंगा, अगर जिसमें कराऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए रीजनिंग के क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, 19 सितंबर सेकंड शिफ्ट का है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है, याद रखेंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा गया जा चुका है, प्रश्न ये दोस्तों 7 से 8 बार लगभग रिपीट कर चुका है, तो आप इसे क्या करेंगे, याद रखेंगे। प्रश्न क्या है दोस्तों, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जान मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, आधुनिक आवर सारणी किसके आधार पर बनाई गई है? तो परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर सारणी बनाई गई है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न है, अस्कर्वी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला अस्कर्वी रोग है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी होता है, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। तो सारे विटामिन से रिलेटेड तो आपको साइंस में करा ही चुका हूं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर याद रखेंगे, रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न भी दोस्तों 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, कितने बार? 5 से 6 बार, ठीक है, कम नहीं पूछा गया होगा। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो है। कौन है? नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, पद्मावत फिल्म में खिलजी का किरदार किसने निभाया है? तो आंसर याद रखेंगे, रणवीर सिंह ने खिलजी का किरदार निभाया है। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर याद रखेंगे, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्टॉकहोम है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। यह भी प्रश्न दोस्तों 3 से 4 बार रिपीट कर चुका है, ठीक है, तो सारे प्रश्नों को याद रखेंगे, ये सब प्रश्न आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 20 सितंबर का पेपर है,
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो राम नाईक है, नाम तो याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ये भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी 2 से 3 बार पूछ लिया जा चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डीबी भोसले हैं, यानी कि दिलीप बाबा साहेब भोसले, ठीक है, DBS भोसले, यानी कि दिलीप बाबा साहेब भोसले, यानी कि DB भोसले भी कहीं कहीं दे देता है, दिलीप बाबा साहेब भोसले भी देता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आंसर याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, 8 से 10 बार रिपीट कर चुका होगा ये प्रश्न। गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, और ये भी पूछा गया प्रश्न है, GST का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन ही GST के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसके इर्द गिर्द भी दे देता है, कभी 3400 दे देता है, कभी 3600 दे देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 3500 के करीब जो आंसर रहेगा उसी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का दोस्तों सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, त्वचा यानी कि जो चमड़ा होता है वही शरीर में सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इनका भी नाम याद रखेंगे। ये प्रश्न भी दोस्तों कितने बार, 4 से 5 बार तो लगभग रिपीट कर ही चुका है, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे, प्रश्न ऐसे भी आ चुका है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। अगला प्रश्न देखिए, 7 से 8 बार रिपीट कर चुका है, पेटीएम के CEO कौन है? तो विजय शेखर शर्मा है। दोस्तों रेणु सती को आप याद नहीं रखेंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वर्तमान में दोस्तों विजय शेखर शर्मा है, इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रश्न 5 से 6 बार रिपीट कर चुका है, गूगल के CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और ये प्रश्न दोस्तों रेलवे में ही नहीं सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, कराया हुआ प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की स्थापना हुई। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी रिपीट कर चुका है, इंसुलिन का निर्माण कहां होता है? तो इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो कप्तान सिंह सोलंकी त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ? 16 अगस्त 2018, यानी कि 15 अगस्त के सुबह यानी कि शाम को हुआ था, 5:00 कुछ मिनट पे, 16 अगस्त 2018, तो आप इस डेट को भूल नहीं सकते, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में, किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये पिछले दिन प्रश्न पूछा जा चुका है यानी कि रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था, इनका नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन है? यह भी प्रश्न पूछ लिया जा चुका है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन है? गंगाधरैया परमेश्वर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री है, और कर्नाटक के दोस्तों राज्यपाल कौन है? वजूभाई वाला कर्नाटक के उप यानी कि राज्यपाल है, और मुख्यमंत्री दोस्तों कर्नाटक कौन है? HD कुमार स्वामी वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो ये तीनों प्रश्न आप याद रखेंगे, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, और पूछा जाएगा तो आंसर आप सही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया प्रश्न है, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ब्रह्म मोहिंद्रा पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनका नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। यह प्रश्न दोस्तों 8 से 10 बार रिपीट कर चुका है, तो आप इसे याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला हैं। आगे दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग और मैथ का मैं दोस्तों अलग से आप कहेंगे तो वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे रीजनिंग और मैथ के पूछे गए प्रश्न को दे दूंगा। नेक्स्ट को देखिए दोस्तों, 22 सितंबर का ये पेपर है, चरक किसके दरबार में थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में चरक थे? कनिष्क
साइंस के दरबार में इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, कोलकाता का उपनाम क्या है? तो डायमंड हार्बर कोलकाता का उपनाम है, आप इसे याद रखेंगे, ये भी प्रश्न रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो जहीर अब्बास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो कौन है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता? जी शंकर कुरूप हैं। और ये भी पूछ लिया जा चुका है दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे मिला है? तो कृष्णा शोभती को मिला है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है, कृष्णा शोभती किससे संबंधित है? तो कृष्णा शोभती लेखिका से संबंधित है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीनविच किस देश से संबंधित है? तो यूनाइटेड किंगडम से ग्रीनविच संबंधित है। अगला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिए, फिर से रिपीट कर चुका है पिछले, अभी अब बताया आपको, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, अभी आपको दिख गया रिपीटेड प्रश्न। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए रिपीटेड है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को, ये प्रश्न अभी पीछे कराया, पीछे फिर से रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक लगाया था, जिसके खिलाफ भी भारत हार गया था उस मैच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो अभिषेक शर्मा परमाणु फिल्म के डायरेक्टर हैं। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते रहिए, ताकि आपको दोस्तों 15 से 20 नंबर अच्छे से पेपर में मिल जाए। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिमा दास ने कौन सा पदक जीता है? तो हिमा दास ने स्वर्ण पदक जीता है, किसमें जीता है? तो 400 मीटर की दौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलजीतकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये पत्रकारिता में दिया जाता है, पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य एवं संगीत की संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को भी दिया जाता है। तो आप दोस्तों पुलजीतकर पुरस्कार जो है तो पत्रकारिता आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है। और राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है दोस्तों? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है या क्या कहा जाता है? तो उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी, इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, काला रस्ट किस फसल का रोग है? तो गेहूं का रोग है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी प्रश्न पीछे भी आया था, देखिए फिर से रिपीट किया है प्रश्न, दिलीप बाबा साहेब भोसले, यानी कि डीबी भोसले यहाँ के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है, अभी पीछे भी आया था, करीब 8 से 10 बार तो रिपीट कर ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम के कारण होता है, ठीक है। और यह भी पूछा जाता है, आतिशबाजी में दोस्तों हरा प्रकाश किसके कारण होता है और लाल प्रकाश? तो लाल दोस्तों ट्रांसियम के कारण होता है और हरा होता है बेरियम के कारण, ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यह भी रिपीटेड प्रश्न है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, यह भी रिपीटेड प्रश्न है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र के बच्चों को लगाते हैं? तो 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न है 23 सितंबर का है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है, इनका नाम तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री है, ये भी प्रश्न दोस्तों 5 से 6 बार रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ
कहाँ है? तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संपदा योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो आंसर याद रखेंगे, कृषि को पूरक बनाने के लिए संपदा योजना, यानी कि प्रधानमंत्री संपदा योजना पूरा नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मणिकर्ण प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण प्लांट है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में, इसे भी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ पर होगा? तो आंसर याद रखेंगे, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, यानी कि ओडिशा, ठीक है, ये होगा। कब होगा? 28 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच होगा। ये भी प्रश्न याद रखेंगे दोस्तों, महिला हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ है। और कब से कब हुआ है? 21 जुलाई से 5 अगस्त के बीच हुआ है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार प्रश्न रिपीट कर चुका है, IMF का फुल फॉर्म क्या है? IMF का फुल फॉर्म दोस्तों होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में कहे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर बना है। और कहाँ है चंबल नदी? तो राजस्थान में है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है, 7 से 8 बार रिपीट कर चुका है प्रश्न ये दोस्तों, गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है? तो हैरी केन को मिला है। और किस में मिला है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 में मिला है। और हैरी केन कहाँ के हैं? तो हैरी केन इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, कालिदास सम्मान 2018 किसे मिला है? तो लक्ष्मी विश्वनाथन को मिला है। और 2017 का कालिदास सम्मान किसे मिला है? तो राम राम गोपाल बजाज, ठीक है, राम राम गोपाल बजाज को मिला है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। और क्वेश्चन दोस्तों देखने से पहले मैं आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपके पास 1 से 2 दिन टाइम है तो दोस्तों उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप जरूर दीजिएगा। आइए उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन आपको बताते हैं। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जिसमें दोस्तों आपको ऑनलाइन 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे दोस्तों, टेस्ट मिलेंगे, आप उसे हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में दोस्तों दे सकते हैं। और दोस्तों सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, और आपके जैसे ग्रुप डी में पेपर में टाइमिंग चलता है, वैसे भी दोस्तों इसमें भी टाइमिंग चलेगा। और दोस्तों ये आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप दोस्तों जब आप पेपर कर लेंगे तो उसका फुल सोल्यूशन भी देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, आप किसी भी भाषा में दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों ये टेस्ट आप मोबाइल पर भी दे सकते हैं, लैपटॉप पर दे सकते हैं, कंप्यूटर पर, टैबलेट पे, आप जहां भी जाएं दोस्तों, सुटेबल जो भी है आप वहां पे दोस्तों दे सकते हैं। और दोस्तों इस टेस्ट की कीमत कितने रुपए रखी गई है? तो 49 रुपए रखी गई है, समझ लीजिए 5 रुपए से कम का ही एक टेस्ट की कीमत है दोस्तों। और इसको दोस्तों आप ले कहां से सकते हैं? तो दोस्तों क्या होगा, इसको आप, इसका लिंक दोस्तों मैं कहां दिया हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप कहीं से भी दोस्तों इसको मात्र 49 रुपीज में ले सकते हैं। और दोस्तों अगर जो आप इस टेस्ट सीरीज को दे देते हैं तो दोस्तों आपको फायदा क्या होगा कि दोस्तों आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, कि आपको यानी कि इतना समय है, इतने समय में आपको कैसे पेपर को सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को ज्यादा समय देना है, किस क्वेश्चन को कम समय देना है, कौन सा प्रश्न छोड़ना है, ये चीज आपको जगह जो टाइम मैनेजमेंट अगर जो आप कर लेते हैं दोस्तों, समझ लीजिए आपको 10 से 15 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बच्चों को क्या होता है, क्वेश्चन छूट जाता है। अगर जो टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए तो दोस्तों आपके नंबर तो बढ़ेंगे ही और एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो आप दोस्तों इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को दोस्तों जरूर दे लीजिएगा। अगर जो 10 सेट आप दे लेते हैं, 10 नहीं दे पाते हैं, 4 से 5 ही दे लेते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। मेरा कहना मानिए दोस्तों, अगर जो आपके पास टाइम है तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर दे लीजिएगा। और दोस्तों अगर जो डाउनलोडिंग या किसी प्रकार के पेमेंट वेमेंट से समस्या होती है तो दोस्तों आप लिंक पे जाएंगे तो वहां पे दोस्तों ये वाला नंबर मिलेगा, इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं किसी प्रकार की समस्या होगी तो। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, 24 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन है? तो गीता मित्तल है, ये प्रश्न पीछे भी आया है, रिपीट कर चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किसी कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? तो ताहिरा सफदर है, ये भी प्रश्न ये याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न भी 4 से 5 बार रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, प्रश्न ये भी रिपीटेड है, पुदुचेरी के राज्यपाल कौन है? तो किरण बेदी है पुदुचेरी के वर्तमान राज्यपाल। अगला दोस्तों प्रश्न है, इस्पात के उत्पादन में अमेरिका को पीछे कर भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो आंसर याद रखेंगे, तीसरा, जब ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में इसका क्या है दोस्तों, ये जो इस प्रश्न के लिए तो आंसर तीसरा होगा, लेकिन वर्तमान में दोस्तों जापान को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर इस्पात के उत्पादन में भारत है, वर्तमान में दूसरा स्थान है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीति आयोग से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं 1 से 2, तो नीति आयोग अगर जो आप इतना प्रश्न याद रखेंगे तो आपके एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। क्या है दोस्तों नीति आयोग का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों,
दोस्तों नीति आयोग का गठन कब हुआ है, पूछा गया प्रश्न है, तो 1 जनवरी 2015 को। पूर्ववर्ती मतलब नीति आयोग किसके स्थान पर आई है, तो योजना आयोग के स्थान पर आई है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन है वर्तमान में अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी याद रखेंगे। उपाध्यक्ष दोस्तों कौन है, राजीव कुमार है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। सीईओ का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, फिर से रिपीट प्रश्न कर गया, गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है, तो हैरी केन को मिला है। किस में मिला है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में मिला है। हैरी केन कहाँ के निवासी हैं, तो इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप 2018 के विजेता कौन है, तो कबड्डी विश्व कप 2018 के विजेता इंडिया यानी कि अपना देश भारत है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया है, कई बार ये भी रिपीट कर चुका है, सैमसंग के सीईओ कौन है, सैमसंग के सीईओ कौन है, तो ली सू बिन सैमसंग के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सारे प्रश्नों को दोस्तों जल्दी जल्दी आपको रिपीट करें ताकि आपका टाइम कम लगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष गोवा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्ज यानी कि उसे एचजेड से प्रदर्शित किया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है, जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर दोस्तों सर्वाधिक होता है, और ये भी पूछा जाता है न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, ग्रुप डी में पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत लीवर से स्रावित होता है, और पित्त एकत्र कहाँ होता है, तो पित्ताशय में एकत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान क्या होता है, तो 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। पीएच मान कैसे निकाला जाता है, तो लिटमस परीक्षण के द्वारा पीएच मान निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो पंचायती राज यानी कि ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित आपका अनुच्छेद 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो दोस्तों जितने भी डे हैं उसको एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, डे से भी रिलेटेड ये इस डे दिवस कब मनाया जाता है, ये दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर जो डे से संबंधित याद कर लेंगे तो आपको 1 से 2 नंबर प्लस हो जाएंगे यानी कि बढ़ जाएंगे नंबर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लगभग 8 से 10 बार से ऊपर ही प्रश्न पूछा जा चुका है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो सत्य नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है, तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है। अगला प्रश्न है, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। और रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको स्किप करते हैं, रीजनिंग को अलग एक वीडियो में करा देंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न 25 सितंबर 1 शिफ्ट के हैं, पे एटीएम के सीईओ कौन है, तो ये भी प्रश्न दोस्तों 8 से 10 बार रिपीट कर चुका है, विजय शेखर शर्मा है, रेणु सती नहीं है, विजय शेखर शर्मा है वर्तमान में, रेणु सती इस्तीफा दे दिए। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आप तो खुद ही बता सकते हैं, बहुत बार रिपीट कर चुका। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक है, ये भी प्रश्न लगभग 8 से 10 बार तो रिपीट कर ही गया होगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे मिला है, कृष्णा शोभती को, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, बहुत बार रिपीट कर चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किस में दिया जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम पुरस्कार किसके नोबेल पुरस्कार यानी किसके नाम पर दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तभी से ये शुरुआत हुई थी, ठीक है।
इनका नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों नीति आयोग से है, नीति आयोग में आई का क्या मतलब है, ठीक है, आई का फुल फॉर्म पूछा था। तो नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो आई तो इसमें दोस्तों आपको दो दिख जाएंगे, एक इंस्टीट्यूशन एक इंडिया, तो उसका सही आंसर हो गया था इंस्टीट्यूशन, जो कि ऑप्शन में दिया था, ठीक है, इंडिया नहीं दिया था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है जॉर्डन के प्रधानमंत्री कौन है, तो उमर रज्जाज हैं जॉर्डन के वर्तमान प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है, तो लोकमान्य तिलक का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है, तो हरेन सिंह भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं, इनका नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, कई बार पूछा जा चुका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो असम में स्थित है, और किस लिए दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय सैन्य अकादमी कहां स्थित है, तो देहरादून उत्तराखंड में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। और एक और प्रश्न है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां है, यह भी पूछा जाता है, तो खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ये दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों को याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने जारी किया था, तो वायसराय लिटन ने वर्ना प्रेस एक्ट जारी किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटन ने जारी किया था, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता है, तो फ्रांस ने जीता है, और उप विजेता कौन है, तो क्रोएशिया है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप 2011 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट विश्व कप 2011 के ब्रांड एम्बेसडर है, भी पूछा 2011 का भी प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो रजनीश कुमार है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है गुजरात का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, तो 196,024 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 196,024 वर्ग किलोमीटर, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रश्न 4 से 5 बार रिपीट कर चुका है, ड्रीम 11 ऐप के एम्बेसडर कौन है, तो एमएस धोनी ड्रीम 11 ऐप के एम्बेसडर हैं। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला दोस्तों रीजनिंग से प्रश्न है, इसे स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का ही है, 26 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। एक और प्रश्न पूछा गया है विक्टोरिया हॉल कहाँ है, तो विक्टोरिया हॉल कोलकाता में है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है, तो मॉरिसियो मैक्री है। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, तो पेसो है। तो ये क्या करेंगे, तीनों प्रश्न को याद रखेंगे, तो आपको एक प्रश्न जरूर आपके पेपर में मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो नायपीडा म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है, तो यू बिन मिंट वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो क्याट वहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का पिन कोड क्या है, तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों पिन कोड होता है 20 से 28 के बीच में होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए उत्तर प्रदेश का पिन कोड किसी मान लेंगे किसी जिले का है, पिन कोड है 2747 दोस्तों मान लीजिए 2747 01, तो ये दोस्तों 27 क्या है आपका उत्तर प्रदेश का पिन कोड है, और 22 क्या है उत्तर प्रदेश का पिन कोड है, 23 क्या है उत्तर प्रदेश का पिन कोड है, ठीक है। तो पिन कोड का आगे वाला दो होता है वो राज्य को दर्शाता है, तो 22 से 28 के बीच में जितने भी होंगे दोस्तों 21 22 23 24 और 25 ये सब क्या है उत्तर प्रदेश के पिन कोड है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और आपके पेपर में क्या आया था दोस्तों 22 आया था, 22 ये कहां का पिन कोड है उत्तर प्रदेश का, तो ये उत्तर प्रदेश का है, यानी कि 20 से 28 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। अभी पीछे भी प्रश्न आया था, समझ लीजिए कई बार रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है, तो 136वां है, 137वां याद नहीं रखेंगे, 2000 आपको 17 का नहीं पूछ रहा है, 2018 का पूछ रहा है 136वां, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है, तो मलावत पोंडा है, जिनकी उम्र है मात्र 13 वर्ष, ठीक है, इनका नाम भी याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है एन ए आई डी एम के पार्टी किस राज्य में है, तो तमिलनाडु की ये पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां नेशनल फिल्म अवार्ड के बेस्ट एक्टर विजेता कौन है, तो बेस्ट एक्टर कौन है, तो बेस्ट एक्टर के आपका अवार्ड किसे मिला है, अक्षय कुमार को, किसके लिए, रुस्तम फिल्म के लिए मिला है।
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HNO3 और 3HCl का ये मिश्रण होता है, आप दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों आप सारे प्रश्नों को खूब अच्छे से देखिए, थोड़ा सा दोस्तों मेहनत करना है, सिलेक्शन से आप बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है, बस पेपर दे देंगे उसके बाद आप तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे, ठीक है, तो खूब मेहनत से पढ़िए। अगला दोस्तों प्रश्न है, फिजी टूरिज्म के ब्रांड एंबेसडर कौन है, तो इलियाना डी क्रूज फिजी टूरिज्म के ब्रांड एंबेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेंस का फार्मूला क्या होता है, तो 1/f = 1/v - 1/u लेंस का फार्मूला होता है, 1/f = 1/v - 1/u। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में कितने तत्व हैं, तो कुल 7 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दोस्तों जब यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय दीपक मिश्र थे, लेकिन दोस्तों वर्तमान में कौन है, श्री रंजन गोगोई है। कौन है? श्री रंजन गोगोई वर्तमान में ये क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। और जब प्रश्न पूछा गया है कुछ दिन पहले का है, तो तब कौन थे, दीपक मिश्र थे, ठीक है, दीपक मिश्रा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। ये प्रश्न दोस्तों 4 से 5 बार रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, सेबी यानी कि क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन हैं। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रीजनिंग मैथ है, तो इसे मैं स्किप करता हूं दोस्तों, रीजनिंग मैथ आपको अलग एक पार्ट में करा दूंगा। देखिए 28 सितंबर का है दोस्तों, लिंकन इन द बार्डो उपन्यास के लेखक कौन है, तो जॉर्ज सैंडर्स लिंकन इन द बार्डो उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, चांदी, देखिए चांदी भी है उष्मा का सबसे अच्छा चालक, पानी भी है, मानव शरीर भी, पारा भी, लेकिन आपको याद क्या रखना है दोस्तों, उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछा जाता है तो चांदी और पारा याद रखेंगे, ठीक है, यही दोनों ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर। और कुचालक क्या है दोस्तों, लकड़ी है, कांच है, हवा है और रबड़ है, ठीक है, यानी कि तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ज़्यादातर देखने को लकड़ी मिलता है, तो दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों एसटीडी का 2 फुल फॉर्म होता है, अगर जो साइंस बायो की बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, और दोस्तों आप जो एसटीडी कॉल करते हैं उसका मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग भी होता है। और दोस्तों आईएसडी का भी फुल फॉर्म याद रखेंगे, आईएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग आईएसडी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कुछ में आप कंफ्यूज होते हैं, 2017 की मिस यूनिवर्स कौन है, तो डेमी लेग नेल पीटर्स 2017 की मिस यूनिवर्स है, और 2017 की मिस वर्ल्ड कौन है, तो मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड है, और मिस यूनिवर्स कौन है, डेमी लेग नेल पीटर्स उनका नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया, जो पूछा जा चुका है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है, तो 3 देशों से लगती है, कौन कौन देश है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, कौन कौन से देश है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो उर्जित पटेल है, 5 से 6 बार प्रश्न ये आपके पेपर में रिपीट कर चुका है, तो आप याद रखेंगे आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा गोवर्धन योजना चलाई जा रही है, तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गोवर्धन योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है, और पहले स्थान पर दोस्तों कौन सा है, चीन है, और पहले स्थान पर चीन, और तीसरे नंबर पर दोस्तों कौन है, तो यूएसए है, आप इसका नाम भी याद रखेंगे, तीसरा भी पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2017-18 के विजेता कौन है, तो रोजर फेडरल, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2017 के भी और 18 के भी विजेता हैं रोजर फेडरल, इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, एड्स किसके द्वारा फैलता है, तो एचआईवी के द्वारा फैलता है और रेट्रोवायरस के कारण भी फैलता है, कहीं कहीं एचआईवी नहीं दिया रहता है, रेट्रोवायरस दिया रहता है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जा चुका है, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो एनडीआरएफ का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर फोर्स होता है, तो यानी कि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल हिंदी में कहे तो। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न है, ब्राजील की मुद्रा
मुद्रा क्या है? तो दोस्तों ब्राजील की मुद्रा है ब्राजीलियाई रियाल, यानी रियाल आप याद रखेंगे। और राष्ट्रपति ब्राजील के कौन है? तो मिशेल तेमेर वहाँ के राष्ट्रपति हैं। राजधानी कहाँ है? तो ब्राजीलियाई ब्राजील की राजधानी है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सल्फर का परमाणु संख्या कितना है? तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है, अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल। तो टोडरमल दोस्तों आप नाम याद रखेंगे, अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आपके 6 से 7 बार दोस्तों पूछा जा चुका है पेपर में, ठीक है। तो क्या है मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, और जोड़ी में पूछे तो 23 होता है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों पूछा गया है, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए अभी फिर से रिपीट कर चुका है, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो शिंजो आबे जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री है, करीब 6 से 7 बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इसी दिन दोस्तों संविधान का निर्माण हुआ था। संविधान का निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और लागू दोस्तों संविधान कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कंफ्यूज नहीं होंगे, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, लागू 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट दोस्तों देखिए रीजनिंग मैथ से है, इसे छोड़ देते हैं, रीजनिंग मैथ आपको अलग एक पार्ट में करा देंगे। अगला दोस्तों पेपर है 1 अक्टूबर का है, यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये प्रश्न आपको अभी पीछे भी देखने को मिला है, ये कई बार रिपीट कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नोकिया किस देश की कंपनी है? तो नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, और नोकिया के दोस्तों सीईओ कौन है? तो राजीव सूरी है, ये भी प्रश्न रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है, एडोब के सीईओ कौन है? तो एडोब के दोस्तों सीईओ शांतनु नारायण है, इनका नाम दोस्तों आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न है वीवो के ब्रांड एंबेसडर कौन है? तो वीवो के ब्रांड एंबेसडर आमिर खान है, कौन है? आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा के राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर गणेशी लाल जी ओडिशा के राज्यपाल हैं, ये भी प्रश्न 3 से 4 बार रिपीट कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न भी रिपीटेड है, आपका प्रश्न है लोकसभा का स्पीकर कौन है? तो सुमित्रा महाजन लोकसभा के स्पीकर है, और लोकसभा के स्पीकर से संबंधित दोस्तों आपके पेपर में बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन है? तो जी वी मालोंकर, यानी गणेश वासुदेव मालोंकर जी आपके लोकसभा के प्रथम स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन है? तो दोस्तों लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2018 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन था? तो स्मृति ईरानी थी 2 फरवरी 2018 में, लेकिन वर्तमान में कौन है दोस्तों? राज्यवर्धन सिंह राठौर है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका फर्स्ट शिफ्ट का ही है, प्रश्न है दोस्तों यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? ये प्रश्न तो अभी मैं करा चुका हूँ दोस्तों, इसमें आपको कोई नया नहीं है। देखिए नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट कर चुका है, लगभग 6 से 7 बार तो दोस्तों रिपीट कर ही चुका है, ठीक है। प्रश्न क्या है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बोले या बनाने वाला? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम याद रखेंगे। और नीति आयोग से संबंधित अभी आपको बताया था दोस्तों, नीति आयोग से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आई का फुल फॉर्म एक बार पूछा था, तो इंस्टीट्यूशन होता है और इंडिया भी होता है, तो आई का इंस्टीट्यूशन उसमें ऑप्शन में दिया था। और गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। पूर्ववर्ती किसके जगह पे लागू हुआ है? तो योजना आयोग, और योजना आयोग का भी गठन पूछा जाता है तो 15 मार्च 1950। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। सीईओ का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आंसर याद रखेंगे उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। HTTP का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है ESPN क्रिकेट यानी कि एस्पन क्रिकेट पुरस्कार किसे मिला है? तो विराट कोहली को मिला है, इनका नाम भी याद रखेंगे, ये भी पूछा गया प्रश्न है, कई बार ये भी रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है गरुड़ शक्ति 2018 संयुक्त परीक्षण किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, कहीं कहीं दोस्तों 9 अगस्त भी दे देता है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, 8 अगस्त 1942 याद रखेंगे। 8 अगस्त 1942 नहीं दे रहा है, ऑप्शन में 9 अगस्त दिया है, तो 9 अगस्त टिक करेंगे। और
आठ और नौ दोनों दिया है, तो 8 अगस्त को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से रिपीट कर चुका है, कृष्णा शोभती किससे संबंधित है, तो कृष्णा शोभती लेखिका है और कृष्णा शोभती को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, तो लव राज सिंह है माउंट एवरेस्ट पर 4 बार फतह करने वाले व्यक्ति, लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये 7 बार फतह कर चुके हैं, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप अंडर 17 के विजेता कौन है, तो इंग्लैंड है फीफा विश्व कप अंडर 17 की विजेता। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की वैल्यू पूछा गया था, तो दोस्तों सेंटीग्रेड में बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन औसतन दोस्तों 23 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन में दिया रहता है, और दोस्तों फारेनहाइट में अगर जो दिया रहा है तो 73.4 डिग्री फारेनहाइट आप याद रखेंगे, और केल्विन में दोस्तों दिया रहा है तो 300 केल्विन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो आपको बताया दोस्तों स्किन यानी कि चमड़ा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों रीजनिंग है, रीजनिंग और मैथ आपको नेक्स्ट पार्ट में एक पार्ट में करा दूंगा जिसमें सारे रीजनिंग होंगे और सिर्फ मैथ होंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, 3 अक्टूबर का पेपर है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है, आप देख चुके हैं, ठीक है इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरू भारत के राजदूत कौन है, तो संदीप चक्रवर्ती हैं, इनका नाम भी याद रखेंगे, आगे पूछा जा सकता है आपका पेपर होगा तो। अगला दोस्तों प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किस शासक ने बनाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, अभी ये प्रश्न फिर से रिपीट कर चुका है, ठीक है कई बार रिपीट कर चुका है तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, 64वां नेशनल फिल्म अवार्ड से संबंधित प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं, उसमें पूछा जा रहा है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो बेस्ट एक्टर कौन है, अक्षय कुमार, और बेस्ट एक्ट्रेस भी पूछा जा रहा है, तो सुरभि सीएम, और बेस्ट हिंदी फिल्म भी पूछा जा रहा है, तो निर्जा, ये 3 प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है, तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, श्रीनिवासन लक्ष्मी है, और मुख्यमंत्री वहां के कौन है, चंद्रबाबू नायडू है, इनका नाम भी याद रखेंगे, ये सब प्रश्न भी बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर याद रखेंगे शशि थरूर वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक हैं। अगला दोस्तों प्रश्न कई बार 5 से 6 बार ये भी रिपीट कर चुका है, पानीपत की पहली लड़ाई में किसकी हार हुई थी, तो इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, और किसके किसके बीच हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। दूसरी लड़ाई भी याद रखेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 5 नवंबर 1556 को दूसरी हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु पूछा गया है, पशु कौन सा है, तो काला हिरण आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है, काला हिरण मतलब ब्लैक बक होता है इंग्लिश में बोले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो 100MB लॉन्च किया है, 100MB नामक ऐप लॉन्च किया है, और MB का दोस्तों इसमें फुल फॉर्म होता है मास्टर ब्लास्टर, ठीक है ये चीज भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2017 किसे मिला है, तो आइकन को मिला है, आइकन का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ये फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, रामेश्वरम में APJ अब्दुल कलाम की मूर्ति का उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वेंकैया नायडू ने नहीं किया है, ठीक है वेंकैया नायडू आप टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ सामाजिक फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो पिंक को मिला है सर्वश्रेष्ठ सामाजिक फिल्म का पुरस्कार। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव कौन है, तो अंशु प्रकाश है, जो कि मारपीट झगड़े के कारण ये अभी चर्चा में विषय में बने रहे हैं, तो इसीलिए पूछ लिया गया, दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव अंशु प्रकाश। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड कौन सा है, तो तीसरा दोस्तों पद्म भूषण है, कौन सा है, पद्म भूषण, और दूसरा दोस्तों कौन होता है, पद्म विभूषण, पहला कौन होता है, भारत रत्न, तीनों को याद रखेंगे, तीनों पूछा जाता है, कभी कभी दूसरा पूछ लिया जाता है, और पहला कौन है, भारत रत्न, दूसरा कौन है, पद्म विभूषण, अब तीसरा पद्म भूषण, ठीक है याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है, तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया
किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा F.T. बेंटिक ने इंसुलिन की खोज की। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है। सबसे लचीली धातु कौन सी है? तो सबसे लचीली धातु सोना होता है। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है सबसे नर्म धातु कौन सा है, तो नर्म और लचीली का मतलब एक ही हुआ, यानी कि सोना। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, कई बार ये भी रिपीट कर चुका है, आप देख चुके होंगे, जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है? यानी कि जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर जान मेंडल को कहा जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। आगे दोस्तों मैथ रीजनिंग है, इसको मैं अलग एक पार्ट में करा दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों देखिए मैथ रीजनिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों 4 अक्टूबर का है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में, इसे दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। दोस्तों इन सब सारे प्रश्नों को आप देख रहेंगे तो आपके पेपर में समझ लीजिए 15 से 20 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, तो इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी कंपाला है, इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 किसे मिला, यानी कि किसने जीता, यानी कि किसे दिया गया है, ये भी पूछ ले। तो विनोद खन्ना को मिला है मरणोपरांत, यानी कि इनकी डेथ हो गई दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 विनोद खन्ना को मिला, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो सुषमा स्वराज भारत के विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है? तो मोगली पुत्र तीस हैं तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया, एशिया कप 2018 का मेजबान कौन सा देश है? तो आंसर याद रखेंगे दुबई है। कौन है? दुबई एशिया कप 2018 का मेजबान, मेजबान मतलब कहाँ हुआ है, तो ये दुबई याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो सैयद अकबरुद्दीन है, इनका नाम याद रखेंगे, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराकी में 2018 पद्मश्री स्पोर्ट विजेता कौन है? पद्मश्री अवार्ड तैराकी में किसे मिला है? तो मुरलीकांत पेटकर को मिला है। और पद्मश्री दोस्तों ये जो आपका पद्मश्री अवार्ड है लगभग 73 लोगों को मिला है, तो आप दोस्तों 73 लोगों को तो नाम याद नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको दोस्तों आप जरूर देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और इनको मुरलीकांत पेटकर को याद रखेंगे ये, क्योंकि रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों कितना होता है? 120 दिन होता है, ये चीज भी क्या करेंगे याद रखेंगे, RBC रेड ब्लड सेल का जीवन काल, ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब प्रेशर की इकाई क्या होता है? तो प्रेशर की इकाई पास्कल होता है, इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न रिपीटेड है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत ने देखिए प्रश्न है, बाबर ने भारत पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में आक्रमण किया था, तो 1526 याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? कृष्णा शोभती को 53वां 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कृष्णा शोभती, ये प्रश्न दोस्तों आप देख ही चुके हैं, 8 से 10 बार रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, सरस्वती सम्मान 2016 के विजेता कौन है? तो महाबलेश्वर सैल है, और सरस्वती सम्मान 2017 के विजेता कौन है? सितांशु यश चंद्र जी हैं, इनका नाम भी याद रखेंगे, आगे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध है। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर याद रखेंगे 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से रिपीट कर चुका है, करीब 8 से 10 बार तो पूछ ही लिया गया होगा, एडोब के CEO कौन है? तो एडोब जो मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग आप लोग PDF को कन्वर्ट करते हैं और एडोब रीडर में आप ओपन करते हैं, जिसे पढ़ते हैं, वही है एडोब, ठीक है। तो शांतनु नारायण है, कौन है एडोब के CEO? शांतनु नारायण। अगला प्रश्न देखिए, फिर से रिपीट कर चुका है, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक है। और बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? लालजी टंडन है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, IRCTC का फुल फॉर्म दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन होता है। क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला आपका दोस्तों प्रश्न है, रीजनिंग से इसे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग को अलग पार्ट में करा दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन
देखिए फिर से रिपीट कर चुका है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्य नडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, ESL नरसिम्हन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के राज्यपाल हैं, इनका नाम जरूर याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है असम की राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी आपको पता ही होगा दोस्तों दिसपुर असम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये मैं प्रश्न आपको करा भी चुका हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो निगाह से वीडियो को देख लीजिएगा, और दोस्तों पीडीएफ पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम दोस्तों आप क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे मैं आपको डेली पीडीएफ देता ही रहता हूं, और इंपॉर्टेंट दोस्तों जो आपके करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होते हैं वहां पे भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। तो टेलीग्राम दोस्तों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों आप एक चीज और बता दूं आपको, वीडियो दोस्तों लाइक नहीं करते हैं, इतना आपके लिए दोस्तों घंटों घंटों मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हो फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम, ठीक है। तो आप दोस्तों लाइक और शेयर कर देंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, मुझे मोटिवेट मिलता है कि वीडियो आप लाइक कर रहे हैं यानी पसंद कर रहे हैं, तो मुझे और अच्छे से मेहनत करना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आप नए हैं तो नीचे दोस्तों रेड कलर का जो सब्सक्राइब दोस्तों लिखा है, आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं दोस्तों, बेल आइकन पे प्रेस नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। जब दोस्तों बगल में बेल आइकन है तो उस पर भी प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलने लगी। सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस दोस्तों जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आप क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 2018 फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है, तो राफेल नडाल 2018 फ्रेंच ओपन के विजेता है। अगला प्रश्न पूछा गया है बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है, तो नाइक्रोम का होता है, अभी पिछले में क्वेश्चन में भी आपको बताया ये प्रश्न। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया, फिर से प्रश्न पूछ लिया गया है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में, तीसरी लड़ाई 1761 में, तीनों डेट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI के गवर्नर कौन है, उर्जित पटेल है, ये भी प्रश्न क्या कर चुका है, रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीटेड है, एडोब के सीईओ कौन है, शांतनु नारायण एडोब के सीईओ है, ये प्रश्न 8 से 10 बार रिपीट कर चुका है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट किया है, RBC यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन RBC का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, यानी कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों, साओ पाउलो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, जो दोस्तों MRI किया जाता है शरीर का, तो उसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग RBI उसका फुल फॉर्म होता है, किसका फुल फॉर्म होता है, MRI का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न है भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा है, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा इनका नाम है, यह भी प्रश्न दोस्तों 4 से 5 बार रिपीट कर चुका है, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत बार रिपीट कर चुका है, GST का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन GST के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी रिपीटेड है, फ्लिपकार्ट के CEO कौन है, तो कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के CEO हैं, ठीक है, आप इनका नाम याद रखेंगे, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का नाम याद नहीं रखेंगे, वो CEO नहीं है वो आपके, ठीक है, और CEO कौन है आपके, ये कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष एक राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न पूछा गया है महेश्वरी चौहान किस खेल से संबंधित है, महेश्वरी चौहान दोस्तों निशानेबाज यानी कि शूटिंग से संबंधित हैं, तो ये रहा